आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का तवील इजलास खत्म हो चुका। पार्लिमानी बोर्ड ने विहाड़ी, खानेवाल और विहाड़ी के असलाह से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोधा डिवीजन, मालाकंड डिवीजन, सूबा बलोचिस्तान, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। ये अपडेट करेंगे आपके सवाले से कि पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का तवील इजलास ख़त्म हो चुका है। पार्लिमानी बोर्ड ने विहाड़ी, खानेवाल और विहाड़ी के अजलास से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोधा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न, सूबा बलोचिस्तान, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी बोर्ड का आज 7वां इजलास हुआ था, जिसमें जो है मुख्तलिफ जो है डिवीजन के इजलास जो है वो जारी है, जिसमें उम्मीदवारों के चुनाव के हवाले से जो है जो पार्लियामानी बोर्ड जो है वो तफसीलात जो है वो हासिल कर रहा है उम्मीदवारों से। इस सिलसिले में आज मुल्तान डिवीजन के 4 शहरों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए, जिसमें जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदस्य शहबाज शरीफ ने की। इजलास में मरियम नवाज, इलेक्शन सेल के सरबरा इशाक डार, एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की। बोर्ड इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई उदेदारान के अलावा डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें शामिल थे। आज मुल्तान डिवीजन के जिन 4 शहरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों का जो है के इंटरव्यू हुए, उनके उनमें मुल्तान, खानेवाल, विहारी और लोधरा के जिले। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील नागाह कर रहे थे।